मैंने क्या कर दिया? अगर मम्मी पापा को इस बात का पता चला तो उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? पता नहीं ये सब मुझसे कैसे हुआ। ओह गॉड, गेट अप सेजल, गेट अप, लेट हो जाएगा। सेजल बहुत लेट हो रही है, गेट अप सेजल, गेट अप बेटा। सेजल, 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 जीडी तुलसी बा, क्या हुआ? ये क्या है? सेजल, सेजल, कमाल है ये लड़की भी। सेजल, सेजल बेटा। गायत्री तुम प्लीज शांत रहो। हेलो हेलो डॉक्टर भट्ट, हाँ मैं जेडी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जमुना दास गिरानी। डॉक्टर आप प्लीज अभी के अभी हमारे घर आइए। नहीं नहीं सेजल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज प्लीज डॉक्टर। हाँ हाँ थैंक यू। क्या कर दिया ये लड़की ने? सेजल, सेजल, बू, बू, बू। सुहासी मैं तुम इस तरह दुखी नहीं देख सकता। जिस तरह तुम अनिकेत का ख्याल रखती हो ना, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम ही उसकी माँ हो, मगर हकीकत तो कुछ और ही है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन अब और अन्याय नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगर तुम चाहो तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती हो। इस घर में रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या इसका मतलब तुम मुझे इस घर से जाने के लिए कह रहे हो? ताकि अगर मैं इस घर से चली जाऊं तो तुम्हें इस बच्चे के बारे में पूछने वाला कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह से समझती हूँ। सुहासी तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो फिर तुम अपने माँ बाप को बता क्यों नहीं देते कि ये तुम्हारा ही बच्चा है? मैं नहीं बता सकता सुहासी। तो फिर मेरी भी बात कान खोल कर सुन लो। मैं तुम्हें 2 महीने का वक्त देती हूँ। इस 2 महीनों में अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम अपने माँ बाप को बता दो, वरना 2 महीने के बाद मेहर भैया खुद ही आकर तुम्हारे माँ बाप से बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब हमने सेजल को वॉमिटिंग करवाई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने ऐसा किया क्यों। डॉक्टर साहब घबराने की कोई बात नहीं है ना? नहीं घबराने की कोई बात नहीं है। सेजल की हालत में वॉमिटिंग करवा के एक तरह से अच्छा ही किया आपने, पर उसे प्रॉब्लम ही हो सकता था। डॉक्टर आपके कहने का मतलब क्या है? यही कि सेजल प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा कैसे।
क्या किया तुमने? हाँ, ये क्या किया तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? मैंने तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतना फ्रीडम दिया, तुम्हें इतना ट्रस्ट किया, और इसके बदले में तुम शादी के पहले तो मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरी ये हरकत माफ करने के लायक नहीं। मैंने आप सबको बहुत दुख पहुंचाया। मम्मी, अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। देर? तुमने देर नहीं, इस घर के सामने अंधेरा कर दिया। आज तुमने मेरी नाक काट कर फेंक दी है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। गायत्री, क्या ये दिन देखने के लिए हमारे बच्चों को हमने बड़ा किया था, पाल पोस के? हाँ, ये दिन देखने के लिए है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। श्रद्धा, तुम्हारे खानदान पर दाग लगा दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़की ऐसा करेगी। अम्मा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? पंडित जी ने तो दिसंबर महीने की 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है, समझ में नहीं आता कि क्या करें हम। शादी के लिए जल्दी भी तो नहीं कर सकते, और पंडित जी के मुताबिक लड़का और लड़की के लिए यह समय अच्छा भी नहीं है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? अरे बेटी, धीरे से काम लो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। भगवान पर भरोसा करो बच्चे। इस लड़की ने मुझे बहुत दुख पहुंचा है बाबूजी। पता नहीं हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ समझ में नहीं आता बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। देखो बेटा, जो होना था वो हो चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं? लड़के वालों को क्या कहे कुछ समझ में नहीं आता। नहीं बाबूजी, मुझे गायत्री ने बताया कि ये बच्चा आनंद का ही है। तो फिर आनंद के घर वालों के साथ बात करने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं 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 बापूजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे, ये सब बाहर लोगों को पता चलेगा तो हमारी इज्जत क्या रहेगी समाज में? देख बेटा, ईश्वर ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देना है। धीरे से काम, कुछ समझ में नहीं आता माँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या रास्ता निकलेगा, कैसे रास्ता निकलेगा। बेटे, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। अगर समस्या उसने भेजी है तो हल भी वही निकालेगा। धीरज रखो बेटे। मुझे अपनी बात कह रहे दो, और उसके बाद तुम कहोगी तो मैं चला जाऊं। ठीक है, जो भी कहना है जल्दी कहो।
थैंक्स पूजा, मैं कैसे कहूं कि आई एम रियली वेरी सॉरी पूजा। मैंने रियलाइज कर लिया है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे तो पता ही नहीं था पूजा कि शादी और ब्याह ये कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, ये तो दो लोगों की मर्जी की बात, दो लोगों को आपस में एक दूसरे को पसंद करने की बात है। आई एम रियली वेरी सॉरी। और हाँ, मैं बस एक बात और कहना चाहता हूं। क्या पूजा, ये आनंद ने मुझे बताया सेजल के बारे में कि वो प्रेग्नेंट है। देखो ना कितना गलत हुआ उसके साथ, और मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब यह कि ये बात सिर्फ तुम, मैं और आनंद जानते हैं कि सेजल प्रेग्नेंट है और कोई भी नहीं। और अगर ये वीरानी खानदान को या आनंद के घर वालों को पता चल गया तो गजब हो जाएगा पूजा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहूंगा पूजा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आनंद को दुबई भेजने का मैंने फैसला कर लिया है, और 4 महीने से पहले वो वापस नहीं आ सकता। और अगर उसने वापस आने की कोशिश की तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा पूजा, और वो गरीब वो कहां से भरेगा इतना नुकसान। अब अगर तुम चाहती हो कि वीरानी खानदान को या आनंद के घर वालों को पता ना चले तो क्या करना है, तुम समझ गई होगी पूजा मैं क्या कह रहा हूं। आगे इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, मैं चलता हूं। गायत्री प्लीज शांत हो जाओ प्लीज, हम इसमें से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। भाई हम आनंद के पेरेंट्स से बात करके शादी प्रीपोन करवा लेंगे। अब उससे कुछ फायदा नहीं होगा। पर गायत्री उनसे मिलकर एक बार शादी की बात तो करनी पड़ेगी ना। हाँ हमें ना इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए वरना हमारा ही नुकसान होगा, है ना? भाई हम उनके फादर मदर से बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि शादी जितनी भी जल्दी हो सके करवा दें। नहीं नहीं, नहीं। मुझे ठीक नहीं लगता है कि हम जाकर बात करें। अगर उन्हें सेजल के बारे में कुछ पता चल गया तो हमारी बदनामी भी हो सकती है और सेजल की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो फिर और क्या दूसरा रास्ता क्या है? एक रास्ता है, अगर हम आनंद को कहें कि वो जाकर अपने पेरेंट्स से बात करें और शादी प्रीपोन करवा लें तो हमारी भी बात रह जाएगी। मेरे ख्याल से सविता ठीक कह रही है। ठीक जैसा आप ठीक समझे। क्या बात है पूजा, इतनी टेंशन में क्यों है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ तुलसी भाभी, राजीव ने मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। उसे सेजल के बारे में सब कुछ पता चल गया। क्या? लेकिन उसे बताया किसने? आनंद ने। वो मुझसे शादी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है भाभी, वो मेरी और वीरानी खानदान की हर हरकत पर नजर रख रहा है। लेकिन पूजा इसमें उसका क्या फायदा है? नहीं भाभी, ही इज वेरी क्लेवर। उसने आनंद को दुबई भेज दिया है और वो उसी बात पे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो आनंद के घर वालों को सेजल की प्रेगनेंसी के बारे में सब बता देगा। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करें पूजा, ये सब हुआ तो मुसीबत आ जाएगी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। तो एक काम कर, ये बात तो किसी को मत बताना। जैसा आप ठीक समझे।